नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं HM न्यूज। अमेरिका में वर्ष 2014 से 7000 महिलाओं सहित 22000 से अधिक भारतीयों ने शरण के लिए आवेदन किया है। ये जानकारी एक नवीनतम आधिकारिक आंकड़े में सामने आई है। नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी एसोसिएशन के कार्यकारी निर्देशक सतनाम सिंह चहल ने कहा कि भारतीयों द्वारा अमेरिका में शरण मांगे जाने के कारण भारत में बेरोजगारी या असहिष्णुता या दोनों हो सकते हैं। नापा को सूचना की स्वतंत्रता कानून के तहत यूएस सिटीजनशिप एंड एमिग्रेशन सर्विसेज नेशनल रिकॉग्निशन सेंटर से प्राप्त सूचना के अनुसार साल 2014 से 22,371 भारतीयों ने अमेरिका में शरण मांगी है। चहल ने कहा कि ये आंकड़े गंभीर चिंता का विषय हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि शरण मांगने वाले कुल भारतीयों में 15,436 पुरुष और 6,935 महिलाएं शामिल हैं। शरण चाहने वालों के बीच काम करने वाले सिंह ने कहा कि अमेरिका में अवैध तरीकों से प्रवेश करने वालों के लिए शरण मांगने की प्रक्रिया उनकी दिक्कतों को बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में प्रवेश करने के बाद उनमें से काफी लोग निजी अटॉर्नी की सेवाएं लेते हैं जो कि ऐसी फीस की मांग करते हैं जो कि उनके भुगतान की क्षमता से परे होती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें वकील मिल भी जाते हैं उनके लिए प्रक्रिया तनाव भरी हो सकती है क्योंकि आवेदन जमा करने के कई महीने के बाद तक वो काम करने का परमिट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होते। सिंह ने आगे कहा कि इसलिए जो भारतीय अमेरिका आना चाहते हैं उन्हें देश में कानूनी तरीके से प्रवेश करना चाहिए जिससे वो मुश्किलों से बच सके। इस महीने के शुरू में मेक्सिको ने 311 भारतीयों को अमेरिका में प्रवेश करने के वास्ते देश में अवैध रूप से घुसने के कारण वापस भारत भेज दिया था। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।